वेलकम बैक टू एनके मिश्रा क्लासेस एंड एनके टेक स्किल्स। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हेनरी के नियम और राउल के नियम के बारे में बात की, अब उसके आगे के बारे में बात करेंगे। तो थर्ड स्टेप जहां पे हमारा आता है ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन एवं उनका वाष्प दाब। इस चैप्टर में कुल तीन पॉइंट्स के आते हैं। पहला आता है हमारा हेनरी का नियम, जब हम बात करते हैं किसी द्रव में गैस की विलयता का, अगर हम किसी गैस का वाष्प दाब बढ़ाते हैं गैस पर तो द्रव में विलयता बढ़ती है। सेकंड आता है हमारा द्रव द्रव विलयनों के वाष्प दाब का, और थर्ड आता है हमारा ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन एवं उनका वाष्प दाब। तीन हिस्सों में कुल बांटा गया है हमारा विलयता का संबंधी। पहला, जैसे हमने देखा कि द्रव में गैस की विलयता, दूसरा द्रव की द्रव में विलयता, दो वाष्पशील द्रवों की, और थर्ड वन किसी ठोस या अवाष्पशील ठोस का किसी वाष्पशील द्रव में विलयता। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम बात कर रहे हैं अवाष्पशील ठोस की किसी वाष्पशील द्रव में विलयता की, राइट। तो थर्ड पॉइंट हमारा इसमें आता है। अब इसमें हम बात करेंगे किस प्रकार हम किसी ठोस को जब किसी वाष्पशील द्रव में डालते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब भी कोई ठोस पदार्थ किसी वाष्पशील द्रव में घोला जाता है तो क्या परिवर्तन आते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज को बताया जाए, अगर कोई भी ठोस पदार्थ, जैसे कि कोई ठोस जो कि अवाष्पशील हो और किसी वाष्पशील द्रव में घोला जाए, जैसे कि हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज हमारा एक ठोस है और एक अवाष्पशील है, उसको अगर हम जल में घोले, क्योंकि जल हमारा वाष्पशील होता है, तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा। इसी स्थिति को हम देखेंगे कि उसमें क्या होता है। पहले बुक एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, बाकी फिर आगे की वीडियोज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो पहले इस चीज़ों को समझते हैं कि आखिर होता क्या है, राइट। तो जैसे हमने यहाँ पे दो फिगर्स बनाए हैं, एक शुद्ध विलायक, आप इसे अज्यूम कर सकते हैं, जैसे हमने मान लिया ये जल था, और दूसरा हमारा विलायक प्लस विलेय। तो इसको इस प्रकार समझते हैं कि जैसे हमने एक जल लिया, ये हमारे जल की सतह है, जो बुलबुले बने हैं जल की सतह है, और इसके ऊपर एक सामान्य अवस्था में सामान्य वाष्प ताप दाब पर, सामान्य वाष्प ताप दाब पर या एसटीपी पर कुछ हमारे जल के बुलबुले या जल के अणु वाष्पशील है, मीन वो वाष्पित हो रहे हैं, यह सामान्य अवस्था थी। तो इस अवस्था में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारे जल के अणु वाष्पशील है और वाष्पशील हो रहे हैं। अब हमने क्या किया, इस जल में कुछ ग्लूकोज घोला या विलेय, कुछ विलेय को घोला, तब क्या होता है, देखिए सेकंड, अब यहाँ पे शुद्ध विलायक था, यहाँ पे विलायक प्लस विलेय अर्थात नया विलयन प्राप्त हो गया। अब हमने यह देखा कि ये जैसे दो हमारे अणु हमारे विलायक के थे छोटे वाले, और ये बड़ा वाला अणु हमारा विलेय का है, ठीक है, दो अणु विलेय बने हैं। तो अब विलेय के घोलने के उपरांत जो उसकी वाष्पशीलता का गुण था, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ज्यादा अणु हमारे वाष्पशील हुए हैं और इस फिगर में कम अणु वाष्पशील हुए हैं, तो उसकी वाष्पशीलता का गुण बदल जाएगा, और इसी परिवर्तन को हम ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन पर उनका वाष्प दाब के रूप में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे परिवर्तन आएगा और उसकी वाष्पशीलता प्रभावित होगी, अर्थात हम कह सकते हैं जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई ठोस अवाष्पशील विलेय घोला गया तो उसकी वाष्पशीलता में कमी आएगी, उसकी वाष्पशीलता में कमी आएगी, और इसी गुण का अध्ययन किया जाता है राउल के नियम के हिसाब से। तो जैसा कि पहले के वीडियो में हमने राउल के नियम के बारे में देखा था, कि राउल के नियम में हमने देखा था कि जब भी कोई दो द्रव जो वाष्पशील हो मिलाए जाते हैं तो उनके आंशिक वाष्प दाब उनके मिलाए गए मोलांस के अनुपाती होता है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस आती हैं कि जब इनको मिलाया गया किसी शुद्ध विलायक में एक अवाष्पशील विलेय मिलाया गया, तो दो कंडीशन होंगी, या तो आदर्श विलयन बनेगा या तो अनादर्श विलयन बनेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आदर्श क्या, अर्थात मिलाने के बाद अगर वह विलयन राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है, अर्थात उनके मोलांश उनके आंशिक वाष्प दाब के व्युत्क्रमानुपात में अनुक्रमानुपात में बढ़ रहे हैं, तब तो आदर्श विलयन कहलाएगा जो राउल्ट के नियमों का पालन करता है। सेकेंड वन अनादर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात वह राउल के नियम से या तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे या ऋणात्मक, अर्थात ये कि या तो उनका आंशिक वाष्प दाब मोलांश से ज़्यादा बढ़ेगा या घटेगा। इस प्रकार की स्थिति को ही अनादर्श विलयन कहा जाता है। सामान्यतः अनादर्श विलयन हमारे स्थिर क्वाथी होते हैं या ऐसे विलयन जो राउल की सीमाओं का पालन नहीं करते। यहाँ पे एक शब्द आता है स्थिर क्वाथी, जिससे अभिप्राय यह है कि दो ऐसे द्रव जिनको मिलाने पर हमारे क्या है कि दोनों का क्वथनांक हमारा एक समान है, तो मिलाने के बाद उनमें अलग या नगण्य विचलन प्रदर्शित होता है, तो वो भी हमारे अनादर्श विचलन में आता है।
तो यहाँ पे आदर्श और अनादर्श रस दो स्थितियां आती हैं। अब पुनः यदि विलेन हमारा आदर्श है, विलेन हमारा आदर्श है, तो तीन स्थितियां उत्पन्न होंगी। अब जब भी किसी हमने वाष्पशील द्रव में एक अवाष्पशील विलेय या वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला, तो वहाँ पे विलयन, नया विलयन अपने उस परिवर्तन को नगण्य करने के लिए अपनी स्थितियों में एक साम्य लाएगा, अर्थात उसके हिसाब से अपनी स्थिति को बदलेगा, उसके अंदर एक आंतरिक परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन को ही हम इन तीन बिंदुओं में समझ सकते हैं कि यह परिवर्तन क्या हो सकते हैं। नंबर वन क्वथनांक का उन्नयन अर्थात उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, सेकेंड वन हिमांक का अवनमन, हिमांक में कमी हो जाएगी। एंड थर्ड वन परासरण या परासरण दाब, ये अलग है पर इसी के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे हम क्वथनांक का उन्नयन। हाँ, इन चीज़ की ड्राइवेशन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, अभी सिर्फ हम इसके बारे में बात करेंगे कि होता क्या। तो हमने देखा कि जब भी हमने एक वाष्पशील विलायक में एक अवाष्पशील विलेय को घोला, तो उसके दौरान या तो आदर्श होगा या तो अनादर्श होगा। अगर वह आदर्श होगा तो यह स्थितियां हमारी प्रस्तुत होंगी, क्वथनांक का उन्नयन अर्थात क्वथनांक बढ़ेगा, हिमांक का अवनमन, हिमांक हमारा घटेगा, और परासर दाब और परासर। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वथनांक का उन्नयन दैट इज उन्नयन में एक आंशिक, अगर मान लीजिए अगर जल है, जल हमारा सभी जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा जल उबलता है, अगर हमने जल में ग्लूकोज को घोला, तो अब जितनी मात्रा हम ग्लूकोज की जल में घोलेंगे उसके अकॉर्डिंग उस ग्लूकोज के क्वथनांक में उस नए विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होगी। जैसे जैसे हम ग्लूकोज की मात्रा उस जल में बढ़ाएंगे, जो जल का क्वथनांक होगा 100 से बढ़ता चला जाएगा। जैसे हमने थोड़ा सा मिलाया तो 100 से 101 डिग्री हो गया या 110.24 हो गया, तो इस प्रकार एक आंशिक रूप से वृद्धि होगी। तो इसी चीज़ को कहा जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। अब यह क्वथनांक उन्नयन निर्भर करेगा कि हमने जो विलेय था उसका कितना हिस्सा या विलेय की कितनी मात्रा उस नए विलायक में हमने मिलाई है। तो यहाँ पे क्वथनांक में परिवर्तन होगा, अर्थात नए विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा पहले की अपेक्षा, और वह जो परिवर्तन होगा, जैसे अगर पहले क्वथनांक हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब 101 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो यह क्वथनांक में परिवर्तन या जो वृद्धि हुई, इसी को हम क्वथनांक में उन्नयन कहेंगे, जिसे कि डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा टीबी हमारा ये होगा TB2 - TB1, अर्थात वृद्धि के बाद क्वथनांक और वृद्धि के पहले क्वथनांक का जो अंतर है, तो डेल्टा टीबी, बी फॉर बॉइलिंग, क्योंकि क्वथनांक उन्नयन की बात कर रहे हैं, और डेल्टा टीबी। और यहाँ इसका जब हम ड्राइवेशन करेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों को बताएंगे। फिर यहाँ पर एक और संकेतांक प्रयोग किया जाता है, दैट इज KB, या इसे हम कहते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, बी फॉर बॉइलिंग, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो हमने देखा क्वथनांक का उन्नयन जो पहला टॉपिक इसका है, इसकी ड्राइवेशन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये तीनों अलग चीज़ें हैं, अभी हम इनको पढ़ रहे हैं कि आखिर ये है क्या, बुक की एक्सप्लेनेशन की बात की जा रही है। सेकेंड वन हिमांक का अवनमन दूसरा। तो हमने देखा कि जब भी किसी हमने एक वाष्पशील विलायक में एक अवाष्पशील विलेय को मिलाया, तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हुई। अब क्वथनांक में वृद्धि हुई तो उसका जल का अगर हमने जल में ग्लूकोज मिलाया तो उसके जल के क्वथनांक बढ़ गया। अब उसी के अकॉर्डिंग उसमें कुछ अन्य परिवर्तन भी होंगे। द सेकेंड वन हिमांक का अवनमन, सेकेंड वन आता है हमारा हिमांक का अवनमन। तो जैसा कि अगर हमने बात कर रहे थे ग्लूकोज व जल की, तो उसी प्रकार अगर जल में अगर ग्लूकोज को हमने घोला तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हुई, उसी प्रकार हिमांक में कमी आ जाएगी। अब यह अपेक्षित कमी हिमांक में अवनमन कहलाएगी, अब यह अपेक्षित कमी उसके हिमांक में कमी आ जाएगी, और इस कमी को ही हिमांक में अवनमन कहा जाएगा। यह भी निर्भर करेगा घोले गए विलेय की मात्रा पर कि हमने विलेय कितना घोला है विलेयन में, तो हिमांक में कमी उसी के अपेक्ष में आएगा, हम कह सकते हैं उसके मोलांस पर निर्भर करेगा कि उसके विलेयन में उसका मोलांस कितना है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल द्वारा कि हिमांक में अवनमन, इसे हम डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं, TF ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि हिमांक की बात की जा रही है, ठीक इन टेम्परेचर, और इसके लिए हम संकेत यूज करते हैं KF, हिमांक अवनमन स्थिरांक। हमने इस वाले में क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक यूज किया था, इसमें हिमांक अवनमन स्थिरांक, क्योंकि हिमांक में कमी आएगी। उदाहरण द्वारा समझते हैं कि जैसे कि हमने एक जलीय विलयन लिया या जल ही लिया, उसमें हमने ग्लूकोज को घोला, तो सामान्य रूप से जो जल का हमारा हिमांक था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है या 273.15 KV है। अब ग्लूकोज को घोलने के बाद
उसका हिमांक कम हो जाएगा, अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम कह सकते हैं -1 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, या -2 हो सकता है, या -0.5 हो सकता है, 0 से नीचे चला जाएगा, क्योंकि 0 उसका हिमांक था, अब हिमांक में कमी हो गई। या अगर हम केल्विन की बात करेंगे तो 273 से 272 केल्विन हो जाएगा। और इस आपेक्षिक हिमांक में कमी को कहा जाता है हिमांक का उन्मन, जो तभी संभव होता है जब किसी वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई, हमारी ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन उनके वाष्पदाब से संबंधित। जो थर्ड स्थिति आती है हमारी परासरण व परासरण दाब पाई, कि परासरण क्या होता है। थर्ड वन आता है हमारा परासरण व परासरण दाब, यह भी इसी के अंतर्गत आता है परास, और इसके विशेष जानकारी के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे, परांशिक रूप से बताते हैं कि परासरण वह घटना है जब हमारे एक अधिक सांद्रता व तनु सांद्रता, जैसे दो विलयनों को अगर सेपरेट करके अर्धपारगम झिल्ली से विभक्त करके रखा जाए, अर्धपारगम झिल्ली बारीक झिल्ली होती है जो सामान्य हमारे जंतु कोशिकाओं में होती है या बकरे के आहार नाल में होती है और उसके अमाशय में भी होती है जो छानने का काम करते हैं प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जब अगर हम कोई अर्धपारगम झिल्ली से दो विलयनों को अलग करें, एक सांद्र एक तनु हो, तो तनु विलयन का अर्धपारगम झिल्ली से तनु विलयन में से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा सांद्र की सांद्र विलयन की तरफ गति करना, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे विलायक के कण हैं तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ गति करेंगे, इस घटना को हम परासरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं, हाँ उसी पे आता था परासरण दाब, कि वह आवश्यक न्यूनतम दाब जिसके लगाने से परासरण रुक जाए उसको हम परासरण दाब कहते हैं। इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं किशमिश के माध्यम से। अगर हम एक किशमिश की बात करें तो अगर किशमिश को पानी में भिगो दिया जाए तो क्या देखेंगे आप कि किशमिश थोड़ी देर में फूल जाएगा। यह घटना क्या हुई, किशमिश के अंदर सांद्रता ज़्यादा थी और जल की सांद्रता कम थी, तो वहाँ पे जल विलायक जो है उसके अणु छोटे थे, वो किशमिश की सतह है जो वो अर्धपारगम झिल्ली की तरह व्यवहार कर रही है और जल के अणु हमारे किशमिश के अंदर घुस गए और यह घटना हमारी कही जाएगी परासरण। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जैसे अगर हम खारे पानी में नहा लें, समुद्र जल में चले जाएं, तो हमारी ये ऊपर की स्किन सिकुड़ जाती है। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि नमक के विलयन में अगर आप हाथ डिबो कर रखें, नमक का विलयन लें हाथ डिबो कर रखें, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, तो आप हमारे नमक का विलयन ज़्यादा सांद्र होगा और आपकी बॉडी कम सांद्र होगी, तो हाथों की नमी नमक के विलयन में चली जाएगी और आपके हाथों पर सिकुड़न महसूस होगी। यह घटना हमारी परासरण कहलाती है, ठीक है। और इस घटना को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। इनके बारे में हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य था कि पहले हम देखेंगे कि आपके ठोस पदार्थों का द्रव विलयन एवं उनका वाष्प दाब क्या है। यहाँ पे हमने इन चीज़ों को देखा कि मुख्य तीन टॉपिक में बटा हुआ था। यह हमारा पहला था हेनरी का नियम, जब हम बात कर रहे थे किसी द्रव में गैस की विलयता का, कि अगर हम दाब बढ़ाएं तो द्रव में गैसों की विलयता बढ़ती है, वो हमारा हेनरी का नियम था। सेकेंड वन था राउल्ट का नियम, जब हम दो वाष्पशील द्रवों की बात करते हैं कि जब दो वाष्पशील द्रव मिलाए जाते हैं तो उनके आंशिक दाब उनके मोलांश पर निर्भर करते हैं, ये हमारा सेकेंड वन था राउल्ट का नियम। और थर्ड वन आता है हमारी ठोसों की द्रवों में विलयता, ठोसों की द्रवों में विलयता, कि अगर किसी अवाष्पशील ठोस को वाष्पशील विलायक में या द्रव में घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है। यहाँ पे देख पा रहे थे जैसे हमने फिगर के माध्यम से बताया था कि पहले ज़्यादा अणु मुक्त हो के वाष्पशील हो रहे थे और विलेय मिलाने के बाद कम हो। इस घटना पे हमारी दो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, या तो आदर्श या अनादर्श, और अगर विलयन हमारा आदर्श विलयन है तब तीन स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो क्वथनांक का उन्नयन हमने देखा कि उसमें क्या होगा कि नए विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, सेकंड हिमांक उन्मन प्राप्त नए विलयन के हिमांक में कमी आ जाएगी, और परासरण ये तीसरी घटना है जो हमारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ विलायक के अणुओं को गति को हम परासरण कहते हैं और इस गति को रोकने को परासरण दाब कहते हैं। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक करें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर बजाएं, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियोस को देखते रहें। नमस्कार।